ना ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो। असी साल बाद इतने स्पीकर आके कोने च नहीं लाई बैठे, असी आ जगह इकबाल 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 पढ़न वास्ते भी अंदर गैरत इकबाल आनी चाहिए। खाली उतों तो शेर पढ़ने नाल कोई नहीं होना जनाब, चीनो अरब हमारा है। इकबाल पढ़न वास्ते उतनी गैरत भी दीन दी चाहिए। इकबाल कहता अगर उम्मत मुस्लिमा ऊपर जाना चाहती है तो उसका एक ही जरिया है, जहां के मिल्लत रा हयात अजिश के उस और बरगो साजे कायनात अजिश के उस। इकबाल कहता जो उम्मत मुस्लिमा उत्ते जाना चाहती तो उसका एक ही जरिया अपने दिल में जो हुजूर दी मोहब्बत इश्क पैदा कर। आखिर ते ना जंप ला के असी लबैक दा नारा लाना है, अजे नहीं, अजे नहीं, अजे नहीं लाना। इकबाल नु पता लगा जने आज ही आए थे। हो ना ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो। मैं कह इकबाल ए लोटे बिस्तरे नाल ते ए हुकूमती चमचे नाल खड़िया ए जो कुछ है नीला आसमान खड़िया इन्हें यहूदो नसारा दे एजेंटा नाल खड़िया। इकबाल कहना नहीं जला हुआ हो ना ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो और चमनेदार में बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, फुम भी ना हो और बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा। बोलो इकबाल ए खैमा किदी वजह तो खड़िया। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है और नबज़े हस्ती तपशामादा इसी नाम से है, दश्त में कोसार में मैदान में है, बाहर में मौत की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। मैं कहा इकबाल और मौलवी कदे कह दिन खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ना, कदी कह दिन बैठ के नहीं पढ़ना, कदी कह दिन फलाना दरूद नहीं पढ़ना, कदी कह दिन साहबा ने मिलाद मनाया और तू बोल हुजूर दी शान के वे। कहना लाओ भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, लाओ भी तू। मैं बोले इकबाल तू की दसा उम्मत मुस्लिमा ने, लाओ अगर मगर से हुजूर की शान बयान होती है दस मौलवी कौन होते हैं हुजूर के बारे में बात करने वाले। ये केबलों पर बैठकर यहूद नसारा के एजेंट कहते हैं इकबाल ऐसे होता है, इकबाल ऐसे होता है, दस इकबाल हुजूर दी शान के वे। कह लगा तेनू पता नहीं, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आब की न रंग तेरे मुहित में हबाब, आलम आब खाक में तेरे जहूर से फरोग, जर्रा रेत को दिया तूने तुलूए आफ्ताब, शौकते संजर ओ सलीम, शौकते संजर ओ सलीम, तेरे जलाल की नमूद फकरे जुनैद ओ बायजीद, तेरा जमाल बेनकाब। मैं कहते मौलवी कहने दरूद पढ़िया मेरी नमाज च खलल आ गया। इकबाल तू दस मौलवियों के झगड़े मुका। कहना शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम। ऐसे कहने दरूद पढ़ लिया है मौलाना साहब मेरी नमाज में खलल आया। मैं कहा इकबाल दस दरूद पढ़ना नमाज में खलल आना। इकबाल कहना फिर बोलिया कहने लगा झल्ला आया, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क्याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल गियाबो जुस्तजू इश्क हुजूर इस्तराब। अनवर जहीद जमाली नु भी नहीं आंदा इहदा मतलब, सुप्रीम कोर्ट दा जिहड़ा चीफ जस्टिस है जे आंदा ते दसे आके। हां इफ्तिखार चौधरी नु मैं कहे सी, मैं कहा दस इहदा माना केवे। इकबाल ये है जो हम पढ़ रहे हैं, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, क्यों जी फंदा गाड़े च पा के फिर लबैक कहने दा मतलब। लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक लबैक।
तेरी निगाहें नाज से दोनों मुराद पा गए। मशरक मगरिब पड़े होवे ते इल्मुद्दीन दी कबर तो बाहर आवे ते कवे शाहजी असी ते गल्ला ही करते रह गए, तरखान दा पुत्तर किवें बाजी लै गया, उह तां देख के भी कुरान नहीं सी पढ़िया होया। इकबाल है बोलो वह किवें बाजी लै गया तरखान दा पुत्तर। ऐ गल इकबाल जिहड़ी कीती, तेरी निगाहें नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल गया वो जस्तजू इश्क हुजूरो इस्तराब, ताजा मेरे जमीर में मार कर गुहन हुआ, इश्क तमाम मुस्तफा अकल तमाम बोला। इकबाल कहता क्यामत तक हुजूर वास्ते जड़ी गल है इश्क ही इश्क है, ओ मुमताज कादरी होवे या आमिर अब्दुल रहमान होवे या इल्मुद्दीन होवे। इकबाल कलंदर लाहौरी है, दासा इकबाल तेरे मजार ते एहो जे कदे नारे लगे पेशवाए आले सुन्नत दी क़यादत च। हां जी हजरत पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब दी क़यादत च। हां मैं भी खादिम नाल इना दे हाजिर ते तुसी भी नाल हाजिर हो, असल तां क़यादत आप दी, असी इना दी क़यादत च इत्थे हाजिर होए। दास इकबाल एहो जे तैनू बूट बूटा आले बड़ी दुनिया आई होनी, एहो जे फकीर जिस अंदाज नाल आए फकर रहा। इकबाल रोंदे रोंदे गया, फकर रहा ताजो के उरिया नी नमान, आ जलाल अंदर मुसलमानी नमान। इकबाल कहता जदों दे गैरतमंद फकीर गए मुसलमान दी इज्जत भी चली गई।